भी मिल गई है। इसके अलावा भी लोगों की ग्रीवेंसेस रहती हैं। सबसे बड़ा जो मेरी प्रॉब्लम है इनके पास लैंड नहीं है, हम लैंड अलॉट अप कर नहीं सकते। हमें अभी मोदी सर की नाम ही कोई ऐसी रीजन है जिसमें कुछ मरले हम लैंड दे रहे हैं ताकि पूरे शहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कहीं लीकेजेस हैं, कहीं के लिए भी सब सफल रहा लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं रिवाइव बाग में, इसके बाहर की जो सड़क देखी है, बट अर्बन इश्यूज एक डिफरेंट नेचर के इश्यूज हैं जिनकी डिफरेंट नेचर की प्लानिंग चाहिए। और जो आप सर यहाँ से फीडबैक लेकर जाएंगे, जो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपका उधमपुर में फिर से स्वागत करता हूँ और सभी टीम यहाँ के प्रेजिडेंट साहब, सभी काउंसलर्स और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की टीम जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनको भी इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। वेलकम अगेन टू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। हमारे दिन अपने घर में एक बोतल रखो, 10 रुपए की बोतल देंगे हम, और उसके बाद अपने घर में रोज 4-5 रुपए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है पर्सन का भी चेयर एज अ पब्लिक के क्रिएट, चाहे वो समस्या पानी की रहे, बिजली की रहे, चाहे उसके बाद आपकी और गली नाली की लाइट्स की व्यवस्था, चौराहों की व्यवस्था, सारी जो है वो सब म्यूनिसिपल काउंसिल के काउंसलर्स के ऊपर रहती है। तो जो प्रोग्राम ये शुरू हुआ है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का भी, एजी साहब का भी, आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सब सुनी करती इसके लिए सब कुछ संक्षेप में पैसे सब कुछ है। ऑनली थिंग इज एक छोटा सा आर्डर निकालना है, इंटर भी कम, कोई इसमें कोई परेशान की बात नहीं है। फिर सेफ साइड उनकी वो नहीं है, गर्ल्स सेफ नहीं है, बाथ वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, फिर बिल्डिंग के बाहर एक मतलब उनकी हॉल नहीं है, तो बच्चे पढ़ने आने चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ और दूसरे लोग बैठते हैं, कोई और एक्टिविटीज होती हैं। जो म्युनिसिपैलिटी की, तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उसकी डे बाई डे, देखिए जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले बैक टू विलेज 3 चला और गांव में जाके सीनियर ऑफिसर जो हैं गवर्नमेंट के वो वहाँ 2 रातें और 3 दिन रहे और लोगों में जो गांव की जो जो ग्राम सभा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे अंग्रेज़ी में, उसके साथ इंटरेक्शन किया और उनको वॉच किया और वहाँ उनके प्लानिंग जो है उसको देखी। उसी तरह पे अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, इनके साथ भी 2 दिन का इंटरेक्शन है जो है सीनियर ऑफिसर जा रहे हैं। और इस जो अर्बन लोकल बॉडी है, जो 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 अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ की क्या मुश्किलात हैं, वहाँ के क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे क्या सिविक सर्विसेज अवेलेबल हैं और क्या प्लानिंग है, वो सब के जो वहाँ के जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के और जो है उसकी प्लानिंग को तैयार करना है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि ये जो हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन और लोकल और रूरल एरियाज़ में है, तो उनको और स्ट्रेंथन किया जा सके।